टिकमगढ़ विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा निकाली गई, जिसमें यादवेंद्र सिंह के नेतृत्व में उनके समर्थकों द्वारा टिकमगढ़ विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशानुसार अरुण यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मध्य प्रदेश के सह प्रभारी सीपी मित्तल, यादवेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी, जिला प्रभारी टिकमगढ़ के नेतृत्व में आज टिकमगढ़ विधानसभा में कई स्थानों पर स्वागत किया गया। कारी तिगेला, ईदगाह, सेल सागर, गांधी चौराहा पर सभा, कुंडेश्वर, गणेशगंज, बड़ा गांव, धसान में सभा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा था। टिकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। स्कूल में बोलता बाबा और सरकार करेगी, सरकार जब करेगी, बहन को 1500 रुपए देंगे खाते में, 100 यूनिट, सुन ले मेरी मम्मा, बहनों सुन रही है, बता रही बात समझ में आ रही मेरी, 1500 रुपए देंगे हर महीने, 100 यूनिट बिजली का पैसा नहीं लेंगे, 600 की पेंशन 1000 करने वाले हैं हमारी बूढ़ी मतारियों की। और किसान भाइयों, आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं राहुल जी की, 2 लाख का कर्जा तो माफ करेंगे ही, और साथ साथ 5 हॉर्स पावर तक का बिजली चलाओगे, 5 से ज्यादा ना चलाइयो, वरना बिल आ जाओ, फिर तुम बोले अरुण भैया आओ तो बोले तो 5 से ज्यादा का पैसों ले रहे हैं, 5 से ज्यादा ना चलाइयो, 5 हॉर्स पावर तक चलाइयो, पैसा नहीं लगेगा। हमारी सरकार तुम्हारा बिजली का बिल भरेगी, पैसे देने की जरूरत नहीं। अभी कोई कल मुझे पूछ रहा था कि मुफ्त। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।